एमएस पावर पॉइंट्स, एमएस पावर पॉइंट में आपका स्वागत है। यह वीडियो एमएस पावर पॉइंट पर आधारित है। इसकी सहायता से आप पावर पॉइंट 2007, 10, 13, 16, 19 पर कार्य करना सीख सकते हैं। क्योंकि एमएस पावर पॉइंट के सभी वर्जन का मूल कॉन्सेप्ट एक, अंतर केवल यह है कि जैसे जैसे नए वर्जन आते हैं उनमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं और कुछ नए फीचर्स जोड़ दिए जाते हैं। प्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर कोर्स एमएस पावर पॉइंट 2007, 10, 16, 19 में हम न्यू स्लाइड ऑप्शन की सहायता से अलग अलग प्रकार की स्लाइड को इंसर्ट करना आज हम सीखेंगे। तो हम चलते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड पे। अपने कंप्यूटर में पावर पॉइंट की हमने स्लाइड खोल ली है। अब यहाँ पे देख रहे हैं पावर पॉइंट की स्लाइड में दो तरह की आपको स्लाइड दिख रही हैं। जो पहली स्लाइड हमने खोल के रखी है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कुछ चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे, ट्रिक टू एड सब टाइटल, यहाँ पे हम टाइटल एड करते हैं। और जो ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ चीज़ लिखा है, यहाँ पे आप ऐसे अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे एक्सेल डाल करके यहाँ पे एड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे आपका जो टाइटल रहेगा यहाँ पे आ जाएगा आपका टाइटल। ये जो पहली हमारी स्लाइड होती है, स्लाइड आपको नई कहाँ से लेनी है वो मैं दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको आएंगे और आप यहाँ से नई स्लाइड ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ से स्लाइड लिया, ये स्लाइड हमारी बता रही है क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्लाइड। आप यहाँ पे कुछ जो आपका स्लाइड का मास्टर टाइटल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हमारा मास्टर, ठीक है, हमारा ये मान लीजिए इसका मास्टर टाइटल है। हमने यहाँ पे मास्टर टाइटल अपना लिखा, हमारे यहाँ पे मास्टर टाइटल आ गया स्लाइड में। और इसके नीचे जो आप जहाँ पे डालना चाहते हैं मास्टर टाइटल के बाद, अपना यहाँ पे सब टाइटल डाल सकते हैं। अगर आपका कुछ सब टाइटल है, ठीक है ना, ऐसे हमारा ये एमएस पावर पॉइंट लर्निंग है, हमने डाल दिया एमएस पावर पॉइंट, ये हमारा सब टाइटल हो जाता है। इस तरीके से आप इसमें पहली स्लाइड में अपना टाइटल और सब टाइटल डाल सकते हैं। दूसरी जो स्लाइड रहती है यहाँ पे रहता है क्लिक टू एड टाइटल। दूसरी स्लाइड में क्या रहता है, यहाँ पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, टाइटल डालते हैं। ये अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसको यूज करने के लिए आप किस तरह का डाटा है, तो जो उसका यहाँ पे टाइटल रहता है आप यहाँ पर टाइटल डालेंगे, ठीक है। जैसे हमारा टाइटल मान लीजिए है एमएस पावर पॉइंट 2017, तो हमारा क्या हो गया, टाइटल हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो सब टाइटल है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं कुछ लर्निंग की, जैसे मान लीजिए, तो हम यहाँ पर उसको क्या करते हैं ला करके डाल देंगे अपना इस स्लाइड में। यहाँ पर साथ साथ ये जो हमारी स्लाइड है इसमें आप टेबल, चार्ट, आर्ट, ग्राफिक्स, इमेज, ये सब चीज़ें आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें चलिए मैं एक इमेज इंसर्ट करके आपको आज दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया इमेज के ऑप्शन पे। जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जहाँ पर इमेज है वो जगह खुल जाती है। इसमें जब मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ अपने, डेस्कटॉप में हमारा लोगो का एक ऑप्शन है, लोगो में मैं गया और उठा करके मेरा जो लोगो है, मैं यहाँ पर लोगो उठा करके अपना लोगो इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये जो मेरा कंप्यूटर का लोगो है ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो कंप्यूटर कोर्स का ही हमारा लोगो है। तो ये कैसे इसमें स्लाइड इंसर्ट करते हैं आपने आसानी से देखा कि जो यहाँ पे मार्क आते हैं उस पर जा करके और आप आसानी से चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। चलते हैं होम पे, अभी देखते हैं नए स्लाइड में। अभी यहाँ पे क्या क्या हमको स्लाइड दिख रही है, हमने ये दोनों स्लाइड देख ली, टाइटल और कंटेंट की स्लाइड थी। तीसरी स्लाइड है यहाँ पर हमारे पास ये। इस स्लाइड में देखेंगे यहाँ पर आपको टाइटल का ऑप्शन दिया जाता है, तो जो आपका टाइटल्स है आप डाल सकते हैं। मान लीजिए हम कोई PPT बना रहे हैं जिसमें कहीं पर हमको कंपेरिजन करना है, ठीक है, कोई हमने एडिट किया है तो एडिट रिपोर्ट है मान लीजिए। अब एडिट रिपोर्ट जो आपकी है, एडिट रिपोर्ट का जो आपका डाटा है तो वो डाटा आप ले लीजिए। अब इसमें क्या है, स्लाइड डालते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो कंप्लायंस हो चुका है कुछ चीज़ें, इसको हम डाल देते हैं। यहाँ पे बिफोर और आफ्टर करके डाल देते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा एक, ठीक है। तो आप यहाँ पे डालिए अपनी फ़ोटो, उठाइए यहाँ से जाइए जहाँ आपका फोटो सेक्शन है उसको लीजिए
और लेने के बाद उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे फोटो सेक्शन है, हमारा पहले का कुछ अलग था, ठीक, हमने उसको इंटरचेंज के लिए कुछ अलग चीज़ें की, हम उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो ये कंपेरिजन करना है, हमारे पास एक हैंड है ये कुछ इस तरीके का है, दूसरे हैंड को हमको कुछ दिखाना है इसमें, दूसरे हमारे पास जो हैंड है ये कुछ इस तरीके का है, ये कंपेरिजन करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट है, ये सिंपल, ठीक। इसके लिए कंपेरिजन के लिए भी हम दोनों बॉक्स का, डबल बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो कंपेरिजन हमने किया, यहाँ पे एक और अगली स्लाइड जो कंपेरिजन के लिए हमारे पास है, इसमें टाइटल के साथ यहाँ पर डाल सकते हैं हम, अगर मान लीजिए कोई डाटा हमारा है, यहाँ पर डालते हैं हम ये बिफोर लिख देते हैं, और यहाँ पर ही यह हम डाल देते हैं आफ्टर। अगर हम अपने डाटा में पहले जो था यहाँ पर, उसके बाद कुछ हमने यहाँ पे बदलाव किया, तो पहले यहाँ पर डाल देंगे बिना बदलाव के, फिर यहाँ पर डाल देते हैं बदलाव के बाद का डाटा, और यहाँ पर डाल देते हैं हम क्या, क्लिक टू एड टाइटल, जो हमारा टाइटल है यहाँ पे, ठीक है ना। हमारे लिए कोई रिपोर्ट्स है या कंप्लायंस रिपोर्ट्स है तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कंप्लायंस रिपोर्ट्स, जो भी हमारे पास डाटा है यहाँ पे लिख कर छोड़ देते हैं हम इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे डाटा है बिफोर आफ्टर का, अपन डाटा में यहाँ पे पुश कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास स्लाइड है यहाँ पे, मान लीजिए जो स्लाइड ये वाली स्लाइड देखेंगे, ये जो स्लाइड आपकी है ये कंटेंट विद का, तो यहाँ पे क्या रहेगा स्लाइड में, यहाँ पे आपका रहेगा ओनली टाइटल रहेगा, जो आपका टाइटल है डालिए एमएस पावर, हमें डाल दिया हमारा टाइटल डाल दिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट उसके वाले में, ठीक है, हम जो एमएस पावर सीख रहे हैं उसका टेक्स्ट डाल देते हैं, एमएस पावर 2017 या 19 जो भी हम सीख रहे हैं वो डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या डालते हैं, क्लिक टू एड जो है यहाँ पे हमने क्या डाल दिया उसका टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर टाइटल डाला। अब यहाँ पे कोई इमेज हमको डालनी है उससे रिलेटेड जो है, या यहाँ पे ध्यान देखिए, जैसे हमको इमेज डालनी है, मान लीजिए हमको इमेज हमें डालनी है, हमने ये यहाँ पे ये कुछ उससे रिलेटेड हमने इमेज हमारे पास अगर कोई पड़ी है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ चलिए मैं ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पर, हमारे पास ये इमेज थी तो मैंने यहाँ पे अपनी ये इमेज डाल दी, ठीक। तो आपकी स्लाइड इस टाइम पे कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है ना, कि आपने यहाँ में टाइटल डाला, यहाँ पे सब टाइटल, इसमें जो एक कंटेंट का ऑप्शन है, इसमें अगर आपको कंटेंट बड़ा है तो आप पूरे ब्रैकेट में कंटेंट को लिख सकते हैं, जितना आपको कंटेंट है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ, इसको कॉपी करके, एक कंटेंट हमारे पास है, डाटा को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करके ये जो स्लाइड ऑप्शन है इसमें हम पूरा डाटा डाल दिया था, हमारे यहाँ पे कंटेंट आ जाता है जो डाटा रहता है, और यहाँ पे उससे जो लिख उससे रिलेटेड जो कुछ लिखना है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगली जो हमारे पास स्लाइड है, एक स्लाइड और है हमारे पास ये जो नहीं तो वेराइटी की है आपको मिलेगी यहाँ पे, ये आती है क्लिक टू है ना आइकॉन टू पिक्चर, यहाँ पे आप पिक्चर डालेंगे, ओनली पिक्चर ऑप्शन है, यहाँ पे आपका टाइटल रहेगा और यहाँ पे उसके बारे में कुछ सब्जेक्ट है। ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन के लिए भी होती है, तो जैसे आप मान लीजिए आप कुछ लोगो वगैरह है तो आप यहाँ पर अपना लोगो डाल देंगे, कुछ आप थीम्स बना रहे हैं, मान लीजिए अपने लोगो ले बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर अपना लोगो डाल दिया ऐसे, ठीक। जैसा लोगो आपका कंप्यूटर का है तो आप यहाँ पर लिख दिए कंप्यूटर, मान लीजिए आप बैकग्राउंड थीम बैनर कुछ बना रहे हैं, कुछ इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं, फ्री में कंप्यूटर सीखें यहाँ से जो भी कुछ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, फ्री में सीखें कंप्यूटर जो भी कुछ है आपका, ऐसे इस थीम को आप सेव कर लीजिए, सेव करके आप यहाँ पे एक जेपीजी फॉर्मेट में, और आपका ये बेस्ट बढ़िया एक बैनर बन जाता है, किसके लिए, आपके प्रेजेंटेशन के लिए जो भी है। तो इसके लिए आप ये स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं, इस स्लाइड को यूज़ करने के लिए अभी स्लाइड में एक और कुछ ऑप्शन आता है,
जो आपको राइट क्लिक करने पे देखा है, यहाँ पे स्लाइड का बैकग्राउंड है, जैसे ये ऑप्शन हम पहले आपको दिखा चुके हैं, स्लाइड लेआउट, जैसे स्लाइड के लेआउट ऑप्शन में जाएंगे आपको जितने स्लाइड के लेआउट हैं आपको यहाँ पे पूरे एक साथ आते हैं। जो स्लाइड का लेआउट चाहिए आपको, ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक, टाइटल ओनली, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, वन टाइटल, जो भी है आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप स्लाइड को रिसेट कर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड के बैकग्राउंड को आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जो फॉर्मेट आप देना चाहेंगे वो फॉर्मेट आप यहाँ दे सकते हैं। स्लाइड को पब्लिश करना है तो पब्लिश का स्लाइड का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करेंगे आप स्लाइड पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें जो स्लाइड आपको पब्लिश करनी है, इस स्लाइड को जिसमें मुझे पब्लिश करना है, मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम पब्लिश टू या पब्लिश करना है या ब्राउज करिए, यहाँ से आप ब्राउज करने के बाद डाटा लीजिए, ठीक है, इसको आप पब्लिश कर सकते हैं। एम एस पावर पॉइंट 2017-16 के अंतर्गत हमने सीखा न्यू स्लाइड ऑप्शन की सहायता से अलग अलग प्रकार की स्लाइड को इंसर्ट करना। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर पुश करिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत